क्या ईश्वर एक होते हैं? जी हाँ, ईश्वर तो एक ही होते हैं, लेकिन वो कैसे एक होते हैं? उनकी विभिन्न रूपों में पूजा क्यों की जाती है? और ईश्वर एक है तो कैसे? आइए इस पर चर्चा करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल चौटानी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे ईश्वर क्या है। वो तो हमने पहले आपको एपिसोड एक बताया कि ईश्वर है। साइंस भी मानती है, यानी वैज्ञानिक भी आज का मानता है कि इंसान के आने से पहले इस धरा पर सब कुछ बन चुका था। और कई साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जहां साइंस खत्म होती है वहां ईश्वर की शुरुआत होती है, कि ईश्वर तो है। अब सवाल यह है कि ईश्वर एक है तो वो कैसे एक है? हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वीर पीर की पूजा करते हैं, ऋषि मिनि मुनियों की पूजा करते हैं, भगवान आदि सबकी हम पूजा करते हैं, गुरुओं की हम पूजा करते हैं। तो ईश्वर एक है तो कैसे? यानी आपने देखा होगा कि हम इस समाज में रहते हैं, हम चिंतपूर्णी माता को भी मानते हैं, हम ज्वाला जी को भी मानते हैं, हम नैना देवी को भी मानते हैं, हम बाबा बालकनाथ जी को भी मानते हैं, हम हनुमान जी को भी मानते हैं, हम श्री राम जी को भी मानते हैं, श्री कृष्ण जी को भी मानते हैं, और देखो शिरडी के साईं बाबा जी जाते हैं, हम बालाजी साउथ में चले जाते बालाजी के पास जाते हैं, गणेश जी को भी मानते हैं, हम सब अलग अलग देवी देवताओं को मान रहे हैं। तो फिर ईश्वर एक कैसे हो गया? अब मैंने मन्नत मानी वैष्णो देवी में जाकर, पूरी हुई, किसी की नैना देवी में पूरी हुई, किसी की चिंतपूर्णी में पूरी हुई, तो किसी की ज्वाला जी में पूरी हुई, तो कोई हनुमान जी का पुजारी है तो वो बोलता है जी एक मैं वैष्णो देवी गया था, वहां तो मेरी मन्नत तो पूरी नहीं हुई, मेरी तो नैना देवी में जाके हुई। फिर वो कुल देवी के रूप में प्रचलित हो जाते हैं, और यदि उनकी भक्ति ना की जाए, यहां कई ऐसे कुल हैं जहां पर अपने कुल देवता या कुल देवी की भक्ति ना की जाए तो उनको पकड़ हो जाती है कि आप हमारे साल में एक बार नहीं आए, ये भी देखा गया है, हकीकत है। तो फिर ईश्वर एक कैसे हो गए? जो शिरडी के साईं बाबा ने बोला, महानात्माएं बोली कि सबका मालिक एक, ठीक है, सभी धर्म मानते हैं, ये तो आ गए अब सभी धर्म कि ईश्वर एक है, लेकिन कैसे? फिर ईश्वर का काम करने का तरीका क्या है? ये फिर हम किसकी पूजा करें, किसकी भक्ति करें? ये बहुत समस्या समाज में है, लेकिन इसका उत्तर हम इतनी भागदौड़ की जिंदगी में है कि हम ढूंढते नहीं हैं, हम कोशिश ही नहीं करते हैं। हाँ, जो अध्यात्मवादी हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यात्मवादी नहीं है इस संसार में, बहुत बढ़िया अध्यात्मवादी हुए हैं, उनके मैं लेख भी पढ़ रहा था पीछे, बहुत अच्छी तरह से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश की है। आज हम अपना पक्ष आपको प्रस्तुत करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं, पहले हम इस पृष्ठभूमि का आधार बनाए इसका। ये तो हम जानते हैं कि जैसे ईश्वर एक है, हम अब समाज की बात करते हैं। गांव में कभी भी दो सरपंच नहीं होते, शहर में दो मेयर नहीं होते, प्रदेश में हमारे दो मुख्यमंत्री नहीं होते, हमारे भारतवर्ष के गृह मंत्री दो नहीं होते, प्रधानमंत्री हमेशा दो नहीं होते। दूर क्यों जाएं, अपने स्कूलों में जाते हैं, वहां प्रिंसिपल क्या दो होते हैं? क्या सेना के कमांडर दो होते हैं एक बटालियन के? नहीं। यदि ये दो हो जाएं तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, जो नियमों में के अंदर बंधा हुआ है वो नियम सारे खत्म हो जाएंगे, इंसान इंसान नहीं रहेगा, इंसान किसकी सुनेगा? ऐसे ही अध्यात्मवाद में भी ईश्वर हमेशा एक है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वो ईश्वर एक है तो कैसे? जैसे देखो, जब अनेक धर्मों की बात हम करते हैं, अब हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह ने, यानी जिसको अल्लाह बोला गया बाद में, वो ईश्वर है, उन्होंने एक आवाज दी और उनको कुरान लिखवाया उनसे, और आज 1400 साल हो गया, लेकिन आज उन्होंने ये कुरान में ये लिखा गया है, ये बोला गया है
एक आयत भी है कि 14 साल में कोई ऐसी प्रश्न नहीं कर सका कि ये अल्लाह ने नहीं लिखाया, ये ईश्वर ने नहीं लिखाया। क्यों? क्योंकि वो खुद मानते हैं कि हजरत मोहम्मद जी खुद अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, वो क्या लिख सकते थे, उनको अल्लाह ने आवाज दी और लिखाया। इसमें तो कोई मतभेद है नहीं अब कि ईश्वर एक है, वो अल्लाह के रूप में मानते हैं। अब वाहेगुरु जी की बात करते हैं। गुरु नानक देव जी हमेशा बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। वो स्कूल में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सामाजिक जीवन में मन नहीं लगता था, लेकिन अध्यात्मवाद में उनकी बहुत रुचि थी। उनके अध्यात्मवादी प्रश्नों का उत्तर उनके टीचर अध्यापक नहीं दे सके, 7-8 साल में ही वो सम्मान पूर्वक उनको अपने घर छोड़ने गए। आप इसी से एग्जाम्पल ले ले कि अध्यात्मवाद क्या चीज है। यानी ये महान आत्माएं, अब आ रहे हैं हम उसी के ऊपर कि ईश्वर एक है तो कैसे, ये महान आत्माएं थी, ये ईश्वर नहीं थी। महान आत्माएं, ईश्वर ने महान आत्माओं को धरा पर भेजा अपना मकसद करने के लिए। उनका अपना मकसद क्या था ईश्वर का, अपने बारे में, यानी ईश्वर के बारे में, जिसको ईश्वर बोला, अल्लाह बोला और वाहेगुरु बोला गुरु नानक देव जी के बाद में, कि अपने बारे में इंसानों को ज्ञान देना और अपने नियम बताना, अपने गुणों का प्रदर्शन करना। अब गुणों का प्रदर्शन कैसे किया उन्होंने, गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा जब गीता का उपदेश दिया तो उनके द्वारा प्रदर्शन किया। क्या कृष्ण ईश्वर हो गए? नहीं, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान क्यों कहा जाता है? वो भाग्यवान शरीर था जिसके द्वारा शक्ति ने माया रूपी अपना प्रदर्शन किया और हमें गीता का ज्ञान दिया, वो महान आत्मा हुए। और एक महान आत्मा भेजी धरा पर, भगवान राम जी भेजे। उन्होंने क्या एक ज्ञान दिया समाज में, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने मां बाप की कैसे सेवा की जाए। मां बाप गलत होते हुए भी, गलत डिसीजन होते हुए भी, उन्होंने उनकी उनका आज्ञा का पालन किया। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो महान आत्माएं धरा पर ईश्वर ने भेजी। अब यीशु मसीह को भेजा धरा पर, जब यीशु मसीह को धरा पर भेजा तो उन्होंने ज्ञान दिया, नियम बनाए उनके लिए, संसार के लिए, लेकिन वो खुद ईश्वर नहीं थे। उन्होंने खुद बोला कि मैं तो ईश्वर का बेटा हूं। अब जब ये चीजें हो रही हैं, महान आत्मा ईश्वर ने धरा पर भेजी और उनके द्वारा महान आत्माओं ने धर्मों की, वैसे स्थापना उन्होंने की, उनके फॉलोअरों ने उन धर्मों की स्थापना की। अब जब महान आत्माओं ने धर्मों की स्थापना की तो उन्होंने कष्ट सहे सारी उम्र, उन्होंने विरोध सहन किया, लाचारी बेबसी मजबूरी दिखाई, क्योंकि वो ईश्वर तो थे नहीं। और यीशु मसीह को, जैसे आपको पता है, सूली पे लटका दिया गया, ईश्वर तो थे नहीं वो। अब वो महान आत्माएं थी। अब देखो, इसके अलावा भक्त कबीर हुए और कहीं महान आत्माएं हुई। अब वैष्णो देवी जी की बात करें, वो एक लड़की थी, वो ईश्वर थोड़ा थी, लेकिन उसने भक्ति की ईश्वर की बहुत ज्यादा, और उन्होंने वर पाया, ईश्वर ने खुश होकर उनको वरदान दिए कि जाओ हम आपको वर देते हैं, जो आपके पास आएगा, आपकी जैसे गुफा में आएगा, माथा टेकेगा, उसकी मन्नत हम पूरी करेंगे, ना कि वैष्णो देवी पूरी करेगी। वो तो जान बचाने के लिए भाग रही थी भैरव से। तो ये एक बात बड़ी होती है। अब यदि ये सारे जो मैंने आपको बताए, अब हनुमान जी हैं, वो किसकी पूजा करते रहे? वो श्री राम की पूजा करते रहे। और श्री राम किसकी पूजा करते रहे? शक्ति की पूजा करते रहे। किस रूप में करते रहे? शिवलिंग रूप में करते रहे। शिवलिंग किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, लेकिन किसके रूप में? भगवान शिव के रूप में। अब आपको एक चीज और बताते हैं। देखो, ईश्वर अनादि और अनंत होते हैं। उनका ना आद होता है ना अंत होता है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। भगवान राम के पिता थे, भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, माता पिता थे, और जितने भी महान आत्मा हुए सभी के माता पिता होते हैं। गुरु नानक देव जी के माता पिता थे, जीसस क्राइस्ट के माता पिता थे, हजरत मोहम्मद के माता पिता थे। यानी जितनी भी अध्यात्मवाद में जितने भी नाम हैं सभी के माता पिता थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव के माता पिता कौन थे? जी नहीं। आप सिर्फ शिवरात्रि हम मनाते हैं, हम कभी भी उनका जन्मदिन नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते?
क्योंकि हमें उनका जन्म पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो अनादि और अनंत थे, वो अनशक्ति हमेशा अनादि और अनंत होती है, लेकिन जब कल्याणकारी बनती है तो शिव कहलाती है। तो क्या भगवान शिव सिर्फ कल्पना है हमारी, क्या चीज है? भगवान शिव अनादि अनंत हैं, और उनके आगे जैसे आप पढ़ते हैं ना कभी शंभु बोला जाता है, तो वो शंभु नहीं, वो स्वयं भू है, यानी वो कहा जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकट हो गए अपने आप, तो शक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए उनके माता पिता नहीं थे। असल में भगवान तो सिर्फ एक ही हैं, वैसे तो भगवान शिव। अब शक्ति रूप में जब होती है तो उसको अपनी पहचान कैसे करवानी पड़ती है, वो अपनी पहचान के लिए हम शक्ति को देखने के लिए हमें तीन चीजें की आवश्यकता होती है, नाम, रूप और स्थान। यानी नाम क्या है शक्ति का, तो हम उसको दुर्गा शक्ति बोल देते हैं। रूप क्या है, रूप हमने चित्रों के द्वारा कल्पना बनाई उसकी, एक जो एक औरत होती है उसको शेर के ऊपर बैठा दिया, यानी उसको शक्ति का प्रतिबिंब चित्रित कर दिया, वो खुद शक्ति नहीं है, शक्ति ऐसे नहीं होती है, शक्ति कभी औरत नहीं होती है, शक्ति ना नर है ना नारी है, वो तो एक शक्ति है सिर्फ। और उनके हाथ में त्रिशूल दे दिया, एक हाथ में फूल दे दिया, तो ये बताया गया वहां पर कि शक्ति ऐसे होती है। और तो और भगवान शिव भी ऐसे नहीं होते जैसे कंठों में हमें दिखाया जाता है कि सर्प उनके वो पर है लिपटे हुए हैं, उनके जो जटाओं से गंगा निकलती है, ये तो हमें रूप बताया गया है कि जैसे हम उनके गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं चित्रों द्वारा कि शक्ति कैसे होती है। नीलकंठ जैसे कहते हैं उनको, वो जहर पी लिया था उन्होंने, ये पुराणों में कथाएं हैं, और ये वैसे जो पुराण हम पढ़ते हैं ये हमें आस्तिक बनाने के लिए कथाएं लिखी गई हैं, लिखी गई थी, लेकिन जो वेद है, वेद में 80-90% सत्य बातें हैं। तो इसलिए जब हमने ये बताने का मतलब आपको यही था कि शक्ति को पूजा करने के लिए हमें तीन स्थानों की जरूरत पड़ती है, नाम, रूप, स्थान। अब शक्ति अपना ईश्वर जो शक्ति है वो महान आत्माओं को धरा पर भेजती है अपना ज्ञान देने के लिए, और अपने गुणों का प्रदर्शन उनके माध्यम द्वारा करती है। फिर वो क्या करती है, उनका नाम रखती है। देखो शक्ति कितनी सिद्धांत का नियमों का पालन करती है कि वो उनका नाम रखती है। अब देखो आप यदि कोई इंसान महान आत्मा धरा पर आई, क्या उसका नाम नहीं आ जाए? हजरत मोहम्मद जी, उनकी जो पहली आयत दी जाती है कि उनके बगैर कोई पैगंबर नहीं है, वो आयत पहली है, उनको याद किया जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है, उसके बाद उनको याद किया जाता है। इसके बाद दूसरी क्या है, जीसस क्राइस्ट को याद किया जाता है, उनके आगे कैंडल को जलाया जाता है, महान आत्माओं को याद करने का तरीका। तो ये किसने रखवाया, उनके आगे मन्नत तुम्हारी कौन पूरी करता है? इसके अलावा एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे गुरु नानक देव जी हैं, उनके तस्वीर सम्मुख रख दी जाती है और गुरु ग्रंथ साहिब रख दिए जाते हैं और उनके लोग पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने तो ये कहा था कि तुर दी वाणी, यानी ऊपर की वाणी कोई और है, मैं तो सिर्फ उनका एक सिपाही हूं, करता तो शक्ति है, तो हम शक्ति को वाहेगुरु बोलते हैं। उन्होंने सबको वाहेगुरु की तरफ इशारा किया। शिंडी के साईं बाबा ने बोला, जगत का मालिक एक, एक नूर से सब जग उपजा। अब हम उसी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। तो शक्ति ने महान आत्माओं को धरती पर भेजा अपने बारे में ज्ञान देने के लिए, और अपने गुणों का प्रदर्शन उनके माध्यम द्वारा किया, और उनकी उनका नाम रखने के लिए उनके स्थान भी शक्ति ने बनाए, चाहे साधन किसी और को बनाया हो। साधन इंसानों को ही बनाया जाता है, जैसे कि हमें स्वप्न आ जाता है कि स्वप्न में हम देखते हैं कि इस जगह खुदाई करो तो आपको एक मूर्ति मिलेगी, मंदिर मिलेगा, मंदिर खुदाई करते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति मिलती है। तो हनुमान जी का नाम किसने रखा, शक्ति ने। अब शक्ति क्या रूप बना के गई स्वप्न में, हनुमान जी का। किसके पास, उस इंसान के पास जिससे उसने कल्याण करवा रहा था, और यह भी निश्चित है कि किससे करवाना है कल्याण, तो इसका मतलब शक्ति ही करता है। अब सवाल यह है कि हम इन सब की पूजा कर रहे हैं, क्या ये सभी सर्वज्ञ
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, यानी ओमनीसेंट ओमनी प्रेजेंट या ओमनी पोटेंट है, क्योंकि हम यदि कुल देवी है हम इनके पास नहीं जाते। मान लो किसी की कुल देवी नैना देवी है, हम साल में एक बार नहीं जाते तो हमारे को पकड़ हो जाती है। बेसिकली सबसे पहले इस मुद्दे पर आना है, क्या ये सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। अब यदि ये सोचो कि ये सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान हो जाए तो क्या अराजकता नहीं फैल जाएगी? जैसे मैंने पहले बताया आपको, पृष्ठभूमि बताई थी कि दो दो प्रिंसिपल हो जाए, दो दो मुख्यमंत्री हो जाए, दो दो प्रधानमंत्री हो जाए, तो फिर तो काम गड़बड़ हो गया। एक भक्त प्रार्थना करेगा नैना देवी को कि मेरा ये काम कर दो, और दूसरा भक्त उसके विरुद्ध जाके प्रार्थना करेगा वैष्णो देवी कि मेरा ये काम कर दो, इसका ये काम बंद कर दो, फिर तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। अध्यात्मवाद में अराजकता फैल जाएगी और अध्यात्मवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा गया है कि देखा गया सच्चाई है, प्रार्थना सुनी जाती है और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, और अपने इष्ट का निरादर करने पर या मन्नत भूल जाने पर श्रद्धालुओं को पकड़ होती है। फिर भी हम कह रहे हैं वो सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान कैसे हो गए, जब वो पकड़ कैसे कर दी उन्होंने हमारी? तो मैं उसी बात पर घूम फिर कर आ रहा हूं कि उन्होंने तो शक्ति की पूजा की, शक्ति ने उनका नाम रखना है, तो शक्ति ने उन्हीं का रूप बनाकर, नैना देवी का रूप बनाकर आपको सपने में आके कष्ट देना है, बताना है कि आपने भूल चूक की है, आप माफी मांग लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ा एक रोचक है वैसे, अध्यात्मवाद रहस्यवाद है इसको समझना। तो फिर इनके नाम क्यों रखे हैं शक्ति ने, यदि अपनी ही पूजा करानी थी इनका नाम क्यों रखा? वो मैंने बताया, महानात्मा को रखना पड़ता है, ईश्वर को महानात्मा का नाम रखना पड़ता है क्योंकि वो उसके भक्त होते हैं। यदि वो हम ये कहें सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान नहीं है, तो फिर ये कर्ता धर्ता कौन है? उनके रूप में आके कष्ट कौन देता है, राहत कौन देता है हमारे को? वास्तव में सत्य केवल एक ही है, जो सभी का मालिक एक है, वही सृष्टि का हर्ता है, करता है, धरता है। उसी ने इन रूपों को मान्यता दी है क्योंकि वे कभी ना कभी धरती पर थे, इंसानी रूप में आए थे, उन्होंने ईश्वर की भक्ति से ईश्वर को से प्यार किया, उनके नियमों में चले और उनकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिंदगी अपनी पूरी लगा दी और योगदान दिया। इसके लिए शक्ति ने सिद्धांतों का अपने नियमों का पालन करते हुए उनका नाम और महत्व रखने के लिए उन्हें देवी देवता वीर पीर यक्ष गंधर्व राक्षस रूप में मान्यता दी। वैसे तो मैं ये बता रहा हूं कि भगवान तो एक ही होते हैं शिव, लेकिन जिनके माध्यम से शक्ति वो शरीर जो भाग्यवान है, भाग्यवान कहलाते हैं जिनके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करे, तो हम समाज में उनको भी भगवान बोलने लग गए। वैसे भगवान तो एक ही है शिव, लेकिन चलो ये परिभाषा है। वैसे एक परिभाषा और है भगवान की, सदृश से अदृश्य से सदृश बनना, यानी अदृश्य से सदृश बनना ही भगवान होता है सिर्फ, जो कि सिर्फ भगवान शिव है क्योंकि वो स्वयंभू है, वो अनादि और अनंत थे, शक्ति अनादि अनंत है, वो प्रकट हुए सिर्फ। अब जैसे कि परम शक्ति ने उनका नाम रखा, उनकी मान्यता दी और उनके स्थान बनाए और उन लोगों को भेजा तथा मनोकामना पूर्ण की, अब तभी तो हम ये देखते हैं कि हमारी मनोकामना, किसी की मनोकामना कभी वैष्णो देवी में पूरी हो रही है, किसी की नैना देवी में हो रही है, किसी की बाबा बालकनाथ के पूरी हो रही है, किसी के हनुमान जी के हो रही है, जिसकी जो भक्त की जो भावना पूरी हो, मन्नत पूरी हो जाती है, वो उसी का श्रद्धालु बन जाता है। देवी देवताओं के श्रद्धालु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो ये एक बड़ी रोचक बात है कि हर लोगों की मनोकामना एक ही जगह क्यों नहीं होती पूरी? यदि इनमें इतनी शक्ति होती तो हर मन्नत वो अपने द्वार पे खाली क्यों जाने देते किसी को? इस बात पर आपने सोचना है गंभीर पूर्वक। इसका मतलब कर्ता कोई और है, वो शक्ति है, अनादि अनंत अगम्य अगोचर है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, पूर्ण है और अजय बनती है समय के अनुसार, और उनके नामों में रूपों में स्वयं काम करती है, स्वयं पर्दे के पीछे रहकर उनको यशमान देती है। भले ही ईश्वर एक है लेकिन उन रूपों में वो कार्य करती है,
इसका मतलब ईश्वर एक है, रूप अनेक है, वास्तव में ईश्वर एक ही है, हर रूप में कार्य वही करती है। अब यदि हम कुल देवता को एकदम छोड़ दें और शक्ति को सीधा पकड़ लें तो क्या हमाल होगा हमारा? तब भी ईश्वर नाराज होते हैं कि अनादर नहीं करना, अनादर करोगे तो कुल देवता के रूप में मैं पकड़ करूंगी। हां, कुल देवता का आदर सम्मान करते हुए शक्ति की एक पूजा करोगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कुल देवता भी ईश्वर के भक्त थे। लेकिन जो ये भ्रमडंबर चलते हैं कुल देवताओं के नाम पर, बकरों की बलि ली जाती है हिमाचल में तो विशेष रूप से, उत्तराखंड में विशेष पर बकरों की बलि ली जाती है, और कई तो लोगों से मैं सुनता हूं हमें स्वाद बहुत लगता है, कब वो आएगा देवताओं का दिन, हम बलि लगे और बकरा मीट खाएंगे। तो देवताओं के नाम पर बलि ली जाती है, बलि केवल दैत्य जाति के ये लेते हैं, दैत्य लेते हैं सिर्फ। और ये भी सत्य है कि देवता भी होते हैं दैत्य भी होते हैं। इस सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए ईश्वर ने सब कुछ बनाया है और इंसानों के लिए बनाया है। तो अब आप समझ गए होंगे ये कि ईश्वर एक है तो वो कैसे एक है, और साथ में यदि एक हम एक भक्त इंद्र देवता को प्रसन्न करता है कि इंद्र देवता जी बारिश कर दो, वो बारिश कर देते हैं, दूसरा भक्त बोलेगा नहीं जी इसको, दूसरे जो उसका उच्च देवता होगा वो उसकी प्रार्थना कर देंगे कि बारिश को बंद कर दो, तो हड़ताल हो जाएगी देवताओं में। इसलिए कर्ता एक ही है, शक्ति है, वो अपनी शक्तियां, इससे पता चलता है वो किसी को नहीं देती, वो सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने भक्तों का, उसके भक्त हैं वो उसकी पूजा करते हैं शक्ति की, अपना नाम रखती है। अब एक और चीज है हमारे हिमाचल में तो बहुत पाया जाता है, नाहर सिंह, नाहर सिंह की पूजा। यदि आप शक्ति की पूजा करते हो तो नाहर सिंह आपका बाल भी बांक नहीं कर सकता, 100% तय है। अब नाहर सिंह कौन है? नाहर सिंह की भी शक्ति का पुजारी था, उसका नाम रखा शक्ति ने, लेकिन ये क्या है, नाहर सिंह के रूप में पूर्व जन्मों का कर्मों का फल हमें मिलता है, शक्ति नहीं लेती अपने ऊपर कोई बात। अब हमारे पूर्व जन्मों का कर्म इतना गंदा है कि शक्ति ने हमें सजा देनी है और जिंदा भी रखना है, लेकिन तिल तिल कर मारना है, तो वो नाहर सिंह कहते हैं वो किसी को चिपट जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब तक वो नहीं निकलता जब तक शक्ति की मेहर ना हो। अब मेहर कब होगी? पूर्व जन्मों का कर्मों का समय निश्चित होगा, इसलिए शक्ति के प्रार्थना लगातार करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपकी प्रार्थना विनम्र भाव से जो की जाती है वो सुनी जाती है। अब मैं इस एपिसोड को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं बोलता हूं कि इतनी बड़ी सृष्टि में इतने बड़े भूमंडल हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड हैं, तारामंडल हैं, सूर्यमंडल हैं, मतलब अनेकों तारों से युक्त है ये ब्रह्मांड, इनको चलाने वाला कौन है? यदि दो होंगे तो क्या होगा? एक ही है, वो है एक शक्ति, जिसको हम प्रकृति भी बोलते हैं, नास्तिक लोग प्रकृति बोलते हैं, कुदरत बोलते हैं, वो ईश्वर बोलने में शर्म आती है उनको, अहम आड़े जाता है उनका, तर्कशास्त्रियों का, और कुछ नहीं है। वैसे मैंने अब अंत में यही कहना है कि अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में। ईश्वर एक कहता मेरी सुनो, ईश्वर एक कहता कि मियां चुप रहो, यानी आपस में ही द्वंद हो जाता। इसका मतलब साफ है कि ईश्वर एक है और उनके रूप अनेक हैं, या उनको मान्यता मिली हुई है, या आप फैसला करें, उनको हम ये कहते हैं कि उनको मान्यता मिली हुई है कि उन्होंने भक्तियां की ईश्वर की, शक्ति ने खुश होकर उनको वरदान दे दिए, इसलिए शक्ति तो हमेशा एक ही है, ईश्वर भी एक है और उसी ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, यानी एक नूर से सब जग उपजा, सारी सृष्टि एक ही ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, एक ही ईश्वर के द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है, पालन पोषण किया जा रहा है, और एक ही ईश्वर के द्वारा उसका सहार किया जाएगा। हम इसको उपमा दे देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन ईश्वर एक ही है, यानी जब वो सृजन करता है तो हम उसे ब्रह्मा जी कह देते हैं, जब वो पालन करता है सृष्टि का तो हम विष्णु कह देते हैं, और जब सहार करता है तो हम उसको महेश शंकर जी कह लेते हैं। वैसे शक्ति एक है, प्रचंड है, और कल्याणकारी रूप में शिव है, और शक्ति प्रचंडकारी है, वो न नर है न नारी है, वो तो एक शक्ति है। इसी के साथ हम अब आपको इस YouTube चैनल को समाप्त करते हैं।
और आशा करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कृपा करके कर लें। और हम आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि जो इस दौरान कोई हमारे से एपिसोड बनाते वक्त कोई गलती हो गई हो और कोई विचार आपको पसंद ना आए हो तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप हमें माफ करेंगे और इस चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे निजी मत है, हो सकता है कि आप इससे मेल रखते हो सकता है ना रखते हो। तो जो लगातार ईश्वर के बारे में जो हमें ज्ञान मिला है, जो शक्ति ने हमें ज्ञान दिया है, वो हम आपको बताते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।